ये है एक कोमल सा धागा। सोचता हूं यदि इससे मैं वस्त्र बुन लूं तो स्वयं के लिए कितनी सुंदर पोशाक बना सकता, किंतु यदि इसे मैं, कोई बात नहीं, देखिए ये धागा तो जुड़ गया, बस इसमें अंतर यह है कि अब पहले जितना सरल नहीं है और इसकी लंबाई भी तनिक कम हो चुकी है। इस संसार में प्रेम के साथ भी यही होता है। प्रेम का यह धागा जो दो व्यक्तियों को बांध के रखता है, अहंकार और स्वार्थ का वार सह नहीं पाता, टूट जाता है। प्रयास करने पर यह संबंध भले ही पुनः जुड़ जाए, किंतु फिर भी पहले जैसे नहीं हो पाते, क्योंकि मन में गांठ बढ़ जाती है। इसलिए प्रेम को सहेज कर रखें, अहंकार और स्वार्थ से दूर रखें। राधे राधे। आपके विचार से मैं क्या कर रहा हूं? आप कहेंगे मैं दीपक जला रहा हूं, सही, किंतु प्रश्न ये उठता है कि क्या मैंने आपसे कहा कि ये दीपक है? नहीं। क्या इस दीपक ने स्वयं अपना परिचय आपको दिया? नहीं। फिर आपने कैसे जाना कि ये दीपक है? उत्तर है प्रकाश, जो स्वयं जल कर अंधकार में संसार को राह दिखाए, वो दीपक है, जो निराशा में आशा की ज्योत दिखाए, वो दीपक है। दूसरी ओर सर्प है, जो दिखे नहीं बस फुफकार दे तो लोग भयभीत हो जाते हैं, अर्थात व्यक्ति का परिचय उसके कर्मों से मिलता है। इसलिए आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं कि आप कौन है, ये आपके कर्म ही निश्चित करेंगे कि लोग आपसे दीपक समझकर प्रेम करेंगे या सर्प समझकर भयभीत रहेंगे। राधे राधे। समय कितना विचित्र होता है, समय हमारे साथ हो तो हम स्वयं को राजा मान लेते हैं, वही समय यदि विरुद्ध हो जाए तो रंक बनने में समय नहीं लगता। इसलिए मनुष्य की एक आदत होती है, बुरे समय के लिए कुछ बचा कर रखता है, संबंधी मित्र बुरे समय में साथ छोड़ देते हैं, यश मान बुरे समय में चला जाता, तो व्यक्ति सोचता है क्यों ना धन संचय कर, धन का तो कोई मन नहीं होता जो समय आने पर बदल जाए। संसार कहता है कि धन का संचयन करते रहो, बुरे समय में काम आएगा, मैं कहता हूं शुभ कर्म करते रहो, आनंदित रहो, स्वयं पर और ईश्वर पर विश्वास रखो, बुरा समय कभी आएगा ही नहीं। राधे राधे।